मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट विषय है फैमिली कोर्ट से संबंधित प्रकरण कहाँ चलते हैं, इन न्यायालयों की स्थापना क्यों की गई है तथा इसमें कौन से विवाद का निपटारा होता है। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपके द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दूसरा, इस सब्जेक्ट आजकल परिवारों में विवाद अधिक बढ़ गए हैं। पारिवारिक विवाद और पारिवारिक मामलों के लिए राज्य शासन द्वारा अलग से हर जिले आदि में परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय की स्थापना की गई है। इनमें फैमिली से संबंधित कोई भी विवाद या डिस्प्यूट जब होता है तो इन न्यायालयों में इनका निराकरण किया जाता है। ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत न्यायालय अलग से बनाए गए हैं जिन्हें कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय कहा जाता है। पारिवारिक विवादों और मामलों के लिए अलग से न्यायालय इसलिए बनाए गए हैं कि अन्य कोर्टों में वैसे ही सिविल केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत प्रत्येक जिले में पारिवारिक विवादों का निपटारा आसानी से हो जाए, इस कारण ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत इसकी स्थापना की गई है। दूसरा, पारिवारिक जो कुटुंब न्यायालय होते हैं, इस एक्ट की धारा 4-4 ये कहती है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो परिवारों की रक्षा करना है, उन्हें बनाए रखना है, बचाए रखना है, बालकों के कल्याण में अभिवृद्धि हो तथा समझौते और सुलह के आधार पर, कंप्रोमाइज के आधार पर अंतिम प्रयास तक यही रहता है कि उनका सुलह हो जाए, परिवार टूटने से बचें और उन परिवार बिखरे नहीं, पूर्व स्थिति में आ जाए। छोटी मोटी बातों पर हर परिवार में कुछ न कुछ कलह विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जैसा कि आजकल अत्यधिक हो रहा है। लोगों की जो समझ शक्ति है वो इतने उतावले और तेजी के कारण परिवार विघटन बढ़ता जा रहा है और उससे कई परिवार टूट रहे हैं। इसको बचाने के लिए ये फैमिली कोर्ट एक्ट में कई प्रावधान रखे गए हैं। धारा 9 ये कहती है इस अधिनियम की, विवाद में सबसे पहले जो वहां का जज होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, उसका ये उद्देश्य है कि वो समझौते के प्रयास से मामले का निपटारा करे। किसी भी तरह से अगर वो कार्यवाही करके समझौता करा सकता है पक्षकारों के मध्य, परिवार को पुरानी स्थिति में ला सकता है, तो ये इसका सबसे पहला प्रयास होगा पक्षकारों में, जिससे विवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और दोबारा से वो विवाद ना हो, उन्हें समझा बुझाकर हर तरह से उनका कंसीलिएशन, मीडिएशन, जो भी जज वगैरह है वो समझाएगा, पेशी दे देगा, कार्यवाही को वहीं रोक देगा। सेक्शन 5 जो इस अधिनियम का, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का, वो ये कहता है कि परिवार कल्याण से संबंधित सामाजिक संस्थाओं से मिलकर भी वो सामाजिक कोई कल्याण से संबंधित संस्था है उनका भी सहारा ले सकता है। सिविल न्यायालय से इन न्यायालयों की प्रक्रिया भिन्न है और काफी सरल है। समझौते का अंत तक प्रयास किया जाता है। समझौते के माध्यम से मध्यस्थ और जो भी काउंसलिंग आदि कराई जाती है। अधिकार स्वरूप इन न्यायालयों में वकील की रखने की अनुमति नहीं दी गई है, अर्थात कोई भी वकील वकालतनामा आदि लगाकर फैमिली कोर्ट या कुटुंब न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसका कारण इसलिए रखा गया है कि वकालतनामा देने के बाद वकील जो है वो कानून की जानकारी रखता है, लॉ एक्सपर्ट होता है और कानूनी पेचीदगी के कारण जो सही स्थिति या बात है वो कई बार न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाती है। इस कारण लीगल पहलू से उनको दूर रखा गया है और पक्षकार, क्योंकि विवाद का असली कारण न्यायालय के समक्ष भोले भाले होते हैं, वो बतला देते हैं कि इसने इन कारणों से ये झगड़ा हुआ है, उससे न्यायालय को भी काफी सहायता मिलती है। परिवार प्रथा बनी रहे, अंत तक न टूटे, इसका उद्देश्य वही है। और इनमें ओपन कोर्ट में सुनवाई के स्थान पर अगर न्यायालय को या न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि बंद कमरे में प्रोसीडिंग की जाए तो वो बंद कमरे में भी, और या केवल पक्षकार जो मामले से संबंधित हैं उनको वहां उपस्थित रहने की न्यायालय अनुमति दे सकता है। सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट में कोई भी पार्टी वकील से पैरवी नहीं करा सकता है। धारा 11 कहती है कि वो चाहे तो बंद कमरे में भी इन मामलों की सुनवाई कर सकता है या पक्षकारों की सहमति के आधार पर केवल पक्षकार को उपस्थित रहने के लिए कह सकता है। सिविल कोर्ट से इन न्यायालयों की प्रक्रिया थोड़ी सी हटकर है, उसका कारण है पारिवारिक मामलों का नेचर सिविल मामलों से भिन्न होता है। धारा 11 ये कहती है कि पक्षकार वहां उपस्थित होंगे, बंद कमरे में भी चाहे न्यायालय उनकी सुनवाई कर सकता है। सिविल कोर्ट्स में जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस अर्थात साक्ष्य जो है वो उन पे कठोर नियम लागू होते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं है।
न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो फैमिली कोर्ट में स्ट्रिक्टली एविडेंस के उसको लागू नहीं करेगा और ना किया जाता है। यदि पक्षकारों के विवाद को निपटाने में उसे किसी तरह से सहायता मिलती है तो उसका सार, चाहे वो कथन हो, चाहे वो जानकारी हो, बात हो, वो संक्षेप में या सब्सटैंशियल उसका शॉर्ट में खुद समझकर उसको ले सकता है, चाहे वो एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसेबल हो या ना हो। तो इस प्रकार ये फैमिली कोर्ट्स को बनाने का मुख्य जो मैंने आपको उद्देश्य बताया वो यही है कि परिवार टूटने से बचे और पारिवारिक विवाद और पारिवारिक मामले का नेचर देखते हुए अंतिमतः समाधान हो जाए, झगड़े कलह से परिवार टूटने से बचें। इसी उद्देश्य से फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत कुटुंब न्यायालय और परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। मैंने इस वीडियो में संक्षेप में परिवार और कुटुंब न्यायालय क्या होता है, किस अधिनियम के तहत ये गवर्न होते हैं, क्या उसमें प्रक्रिया होती है, ये बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को अपने मित्र दोस्त परिवार समाज के और लोगों को अवश्य भेजें, जिससे यदि किसी परिवार में अनावश्यक कलह हो रहा है तो उसका निपटारा समझौते के माध्यम से, जो कि न्यायालय में होता है, पहले ही वो सोच समझ कर अपना निर्णय ले लें और वापस अपने बैक टू पवेलियन, जैसे क्रिकेट में होता है, वाली स्थिति में पहुंच जाए और परिवार खुशहाल और संपन्न रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।